ओके सो सबसे पहले हम आज ये देखेंगे कि गूगल एनालिटिक्स का पर्पस क्या है, क्यों हमें उसको क्रिएट करना चाहिए, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है मैट्रिक्स एंड डायमेंशन, राइट। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि गूगल एनालिटिक्स की फंडामेंटल्स क्या है और गूगल एनालिटिक्स का जो एडमिन पार्ट है वो क्या है। ये दो चीज फंडामेंटली हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गूगल एनालिटिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाई गूगल एनालिटिक्स इम्पोर्टेंट। सो आप आपकी डेली रूटीन में भी देख लो कि जब भी आप कोई भी चीज मेजर करते हो, मेजर माने उसको गिनते हो या कुछ क्वांटिटेटिव रिजल्ट निकलता है, तभी आपको यह पता चलता है कि यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, और एज पर योर एक्सपेक्टेशन और नॉट। जैसे हमारी एग्जाम है और उसका हमारी एग्जाम है और उसका रिजल्ट निकल रहा है, सो वी कैन ले लो अंदर की एक चेयर ले लो, चेयर ले लो, ओके आइए। सो अगर आपकी एग्जाम आपकी एग्जाम है और आपका रिजल्ट आ रहा है, तो आप ये पता कर सकते हो कि आप ये पता कर सकते हो कि भाई कितना रिजल्ट आपका आया। उसी तरीके से गूगल एनालिटिक्स से आप ये पता कर सकते हो कि अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट पर कितने विजिटर्स आए, वो विजिटर्स ने आके आपकी वेबसाइट पर क्या किया, कितने टाइम वो आपकी वेबसाइट पर रुके, उन्होंने कौन कौन से पेजेस को रिव्यू किए, और कौन कौन से पेजेस से आपको सबसे ज्यादा लीड मिल रही है, कौन से टाइम पर सबसे ज्यादा लीड मिल रही है। तो ये सारी चीज आप गूगल एनालिटिक्स के माध्यम से पता कर सकते हो। तो आप सोचो कि एक एक केस है कि जिसमें आप मेजर नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ यही मेजर कर रहे हो कि भाई यू आर गेटिंग द रैंकिंग इम्प्रूवमेंट, और एक कैसे कि आप ये सारा कुछ एनालाइज कर रहे हो। तो इससे होता क्या है कि ग्रेजुअली आपकी वेबसाइट उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अगर आपको ये पता चला कि आपकी वेबसाइट पर 50 पेजेस है, 50, वो 50 पेजेस में से 10 पेजेस ऐसे हैं जिसमें एवरेज विजिट ड्यूरेशन बहुत कम है, मानी नॉर्मली यूजर कंपेयर टू अदर पेजेस बहुत कम टाइम वहां पर टाइम स्पेंड करता है। सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट एक्शन आइटम? द नेक्स्ट एक्शन आइटम शुड बी यू शुड फर्स्ट गो टू दोस पेजेस एंड चेक दैट वेदर दे आर लुकिंग परफेक्टली ऑन ऑल द ब्राउजर्स और नॉट। दैट शुड बी द फर्स्ट एक्शन आइटम यू हैव टू चेक, राइट। उसके बाद में आपको ये देखना है कि उस पर जो इंफॉर्मेशन आपने दी हुई है वो अप टू द मार्क है कि नहीं। तो ये जो सारे एक्शन आइटम्स है ये आप एनालिटिक्स के माध्यम से पता कर सकते हो। अगर आप पेड मार्केटिंग कर रहे हो सपोज, और पेड मार्केटिंग में आपने सपोज 50 कीवर्ड्स पर आप आपका प्रमोशन कर रहे हो, 50, और 50 कीवर्ड में से आपको ये पता करना है कि लास्ट 3 मंथ्स में कौन कौन से कीवर्ड ने हमको बिजनेस दिया है, और या कौन कौन से बिजनेस से हमको लीड मिली है, तो ये आप एनालिटिक के माध्यम से पता कर सकते हो। तो आप ये कर सकते हो कि जो पार्ट वर्क कर रहा है उसको आप प्रमोट करो, और जो पार्ट वर्क नहीं कर रहा है उसको आइदर ऑप्टिमाइज करो या रिमूव कर दो। मैनेजमेंट का एक बहुत सिंपल रूल है कि अगर कोई चीज काम कर नहीं कर रही है तो आइदर रिमूव इट और रिजॉल्व इट, उसको वहां पर मत रखो। वहां पर रखोगे तो ग्रेजुअली वो आपका हेडेक बढ़ाती जाएगी, राइट। तो यही आपको आपके पेजेस के लिए करना है। आइदर यू कैन रिमूव दोज पेजेस और यू कैन ऑप्टिमाइज दोज पेजेस इन सच अ वे दैट दे शुड गिव यू द ऑप्टिमल रिजल्ट, क्लियर। तो ये बहुत बड़ी चीज है, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो दैट हाउ टू ऑप्टिमाइज एंड हाउ टू गेट द डेटा, राइट। अभी नेक्स्ट उसमें आगे बढ़ते हैं, तो ये है कि दो नहीं आ रही है आपको हवा, नहीं आ रही है, आ रही है ना। तो आप ये कर सकते हो, इसमें
फंडामेंटली दो चीज है एनालिटिक्स में, एक है मैट्रिक्स और दूसरा है डायमेंशन, राइट? मैट्रिक्स और डायमेंशन। सो कोई बताएगा मुझे मैट्रिक्स क्या है इन अ सिंपल लैंग्वेज, व्हाट इज मैट्रिक्स? कोई बताएगा? साइंस का स्टूडेंट जो भी है वो तो इजीली बता सकता है व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है एक लेमेन लैंग्वेज में आप नहीं बता सकते मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स इज इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, एनीथिंग विच रिप्रेजेंट नंबर इज मैट्रिक्स। एनीथिंग विच रिप्रेजेंट नंबर इज मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल किलोमीटर पर आवर इज अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल आरपीएम राउंड पर मिनट, कई इंस्ट्रूमेंट में आरपीएम वो लिखा जाता है। हाँ, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, जैसे अगर आपकी कॉलगेट की टूथपेस्ट देखोगे तो उसमें लिखा होगा कि इसमें फ्लोराइड की मात्रा कितनी है, राइट? सो दीज ऑल आर मैट्रिक्स, दिस ऑल आर मैट्रिक्स, राइट? सो फर्स्ट थिंग यू मस्ट क्लियर इन टू योर माइंड दैट मैट्रिक्स इज एनीथिंग विच रिप्रेजेंट नंबर इज मैट्रिक्स, राइट? अभी इसमें 5 या 6 मैट्रिक्स है, हर एक रिपोर्ट में आपको 5 या 6 मैट्रिक्स मिलेंगे। वो मैट्रिक्स को आपको एनालाइज करके ये तय करना है कि अगर वो मैट्रिक्स ज्यादा है तो व्हाट आर द प्रोबेबल रीजन कि वो ज्यादा है। फॉर एग्जांपल एवरेज विजिट ड्यूरेशन ज्यादा है या कम है, तो ज्यादा है उसके प्रोबेबल रीजन क्या है, कम है तो उसके प्रोबेबल रीजन क्या है, और उसके हिसाब से आपको आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज करनी है। क्लियर? एवरीवन क्लियर, राइट? अभी हम एक के बाद एक मैट्रिक्स देखते हैं कि वो मैट्रिक्स क्या है, राइट? अगर आप एनालिटिक्स का कोई भी रिपोर्ट ओपन करोगे, तो आपको यहां पर जो मिलेगा ये तीन जो चीज है ना, ये एक्विजिशन, बिहेवियर एंड कन्वर्जन, ये तीनों के तीनों मैट्रिक्स है जो ये कॉलम रिप्रेजेंट कर रही है ना, हर एक सेशन से। फॉर एग्जांपल न्यू सेशन से, न्यू यूजर से, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये सारी क्या है मैट्रिक्स। हाँ, मैं हर एक चीज को आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये अगर ज्यादा है तो उसका प्रोबेबल रीजन क्या हो सकता है, कम है तो उसका प्रोबेबल रीजन क्या हो सकता है, यानी आपको वो डेटा एनालाइज करके क्या एक्शन आइटम लेनी है वो मैं आपको बताऊंगा, राइट? ये डायमेंशन है, दिस इज अ डायमेंशन। व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन इज आपको आपकी वेबसाइट पर जो यूजर्स आ रहे हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक मानी उनकी प्रोबेबल एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, वो कौन से सोर्स से आ रहे हैं, कौन सी कंट्री से आ रहे हैं, कौन से ब्राउजर से आ रहे हैं, तो ये सारी क्या है यूजर की कैरेक्टरिस्टिक है। सो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो जो रिप्रेजेंट करता है वो है डायमेंशन। क्लियर, राइट? मैं कई बार जब 4 या 5 साल वाले बंदे का इंटरव्यू लेता हूं तो इवन दे आर नॉट क्लियर व्हाट इज एग्जैक्टली मैट्रिक्स एंड डायमेंशन, तो ये आपको एकदम दिमाग में बिठा लो, ये बहुत सिंपल चीज है। डायमेंशन और मैट्रिक्स बहुत सिंपल चीज है, लेकिन अगर आप डेटा को रिव्यू नहीं करोगे या उसको रीड नहीं करोगे यहां से जाने के बाद तो आपके दिमाग में प्रोबेबली नहीं बैठेगा अच्छी तरह से, लेकिन अगर आप इसका यूज करोगे, 2 या 3 डोमेन को एनालाइज करोगे तो ये परफेक्टली बैठ जाएगा आपके डोमेन में। क्लियर एवरीवन? डायमेंशन एंड मैट्रिक्स, राइट? एनीथिंग विच रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूजर इज डायमेंशन, एंड एनीथिंग विच इज रिप्रेजेंट द नंबर इज मैट्रिक्स। क्लियर? ओके, सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली आपको किसी भी रिपोर्ट में अलग अलग टाइप के रिपोर्ट यहां पर जनरेट हो गए, प्रोबेबली 50 से ज्यादा यहां पर रिपोर्ट जनरेट हो गए, लेकिन वो 50 के 50 रिपोर्ट्स में ये जो चीज है, ये जो राइट हैंड साइड वाला रिपोर्ट है वो सेम रहेगा। सेम मानी द वे दे आर गोइंग टू शो इज विल बी सेम। यहां पर आपको डायमेंशन दिखेगा और हर एक डायमेंशन के लिए
हर एक डायमेंशन के लिए आपको दिखेगा मैट्रिक्स, राइट। ओके, सो अब हम एक के बाद एक मैट्रिक्स को एनालाइज करेंगे। उसके बाद क्या करना है, मैं एक चीज बहुत अच्छी बताता हूँ जो मैंने अभी लास्ट मेरे बैच से ही शुरू की है। मैं मैट्रिक्स और डायमेंशन आपको पूरी तरह से गो थ्रू करवा दूंगा। उसके बाद में जब मैं रिपोर्ट सेक्शन में जाऊंगा तो आप लोगों को बोलना है कि इसका प्रोबेबल रीजन क्या हो सकता है। वो बहुत मजा आएगा, टू वे इंटरेक्शन हो जाएगा। मैं डायमेंशन और मैट्रिक्स आपको क्लियरली सब कुछ बता दूंगा कि भाई इसका रीजन क्या है। फिर यहां पर हम डेटा में चलेंगे और एक्चुअल डेटा में आपको मुझे बताना होगा कि व्हाट आर द प्रोबेबल रीजन, ये ज्यादा और कम क्यों है। और बहुत मजा आएगी आपको, बहुत मजा आएगी। ओके, सो एक और चीज मैं आपको अच्छी बताना चाहता हूं जो गूगल ने स्टार्ट की हुई है, वो है डेमो अकाउंट लिंक। अगर आप कहां पर है, यस, राइट, अगर आपके पास एनालिटिक्स नहीं है किसी भी डोमेन का तो डोंट वरी, यू कैन गो थ्रू विद दिस रिपोर्ट। ये गूगल मर्चेंट स्टोर है, उसका उन्होंने जो इंटरेस्टेड है सीखने के लिए उनके लिए ये पब्लिक कर दिया है, पार्शियल रिपोर्ट, नॉट द होल रिपोर्ट बट पार्शियल रिपोर्ट। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज है कि आपके पास, इवन दो यू डोंट हैव द डेटा, यू डोंट हैव द डोमेन, इवन दो यू कैन एनालाइज एंड गिव मी योर ऑब्जर्वेशन एंड एक्शन आइटम, क्लियर, राइट। तो ये डेमो लिंक आपको, जब आप यहां पर क्लिक करोगे डेमो अकाउंट आर्टिकल लिंक पर, तो आपको वो लिंक यहां पर ले जाएगी। और वो लिंक में से इफ यू विल स्क्रॉल डाउन यू विल फाइंड दैट देयर इज अ नेम एक्सेस डेमो अकाउंट, उस पर आपको सिंपल क्लिक करनी है और यहां से आप यहां पर पहुंच जाओगे, क्लियर। ओके, सो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मैट्रिक्स हमने देख लिया, अब एक के बाद एक मैट्रिक्स को एनालाइज करते हैं। सबसे पहला मैट्रिक्स है एवरेज विजिट ड्यूरेशन। उसका नाम ही हमको ये बता देता है कि भाई व्हाट इज एवरेज विजिट ड्यूरेशन, राइट। एवरेज विजिट ड्यूरेशन क्या है बेसिकली? एवरेज विजिट ड्यूरेशन मानी आपके पेज पर यूजर ने कितना टाइम स्पेंड किया है, सिंपल, राइट। ये कहां पर दिखेगा आपको? ये यहां पर दिखेगा। इफ यू विल गो टू द एक्विजिशन और एनी ऑफ द रिपोर्ट यू विल फाइंड, अभी उन्होंने एवरेज सेशन, एवरेज विजिट की बजाय उनको विजिट को सेशन से रिप्लेस कर दिया है, तो एवरेज सेशन ड्यूरेशन है। विजिट और सेशन सेम ही है, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस टू थिंग्स। तो एवरेज सेशन ड्यूरेशन बेंचमार्क क्या है? सबसे पहले तो आपको हर एक चीज का बेंचमार्क पता होना चाहिए। तो उसका बेंचमार्क नॉर्मली 3 to 4 सेकंड है, यानी 3 to 4 सेकंड नहीं, 3 to 4 मिनट्स, नॉट सेकंड्स, सो 3 to 4 मिनट्स है। यानी आपके पेज पर जब यूजर लैंड होता है तो ऑन एन एवरेज यूजर शुड स्पेंड 3 to 4 मिनट्स ऑन योर पर्टिकुलर पेज। अगर उससे कम है या उससे ज्यादा है, तो अगर उससे कम है तो उसका प्रोबेबल रीजन क्या हो सकता है, राइट। तो सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि कम है, तो पहले कम देख लेते हैं कि यूजर को आपकी वेबसाइट पर जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो आइदर एक्यूरेट नहीं है या कन्विंसिंग नहीं है। तो आप कैसे पता कर सकते हो कि एक्यूरेट कहां से ढूंढनी है और कन्विंसिंग कहां से ढूंढनी है? कैसे ढूंढोगे, कोई बताएगा मुझे? गूगल करके बाद क्या, बाद में क्या करेंगे? मैं वो ही बोल रहा हूँ कि किस तरह से ढूंढेंगे। गूगल कर लिया, उसके बाद व्हाट व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? हमारे कॉम्पिटिटर को एनालाइज करेंगे, सिंपल। अगर आप 10 कॉम्पिटिटर को एनालाइज कर लोगे तो यू विल फाइंड कि आप में ऐसा क्या नहीं है जो अगर आप ऐड करोगे तो यू कैन गेट द बेटर एंगेजमेंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरी एक वेबसाइट ओपन करूं,
और सपोज ये पेज का, सपोज ये पेज का एवरेज सेशन ड्यूरेशन कम है, तो मुझे ये पता कर रहा है कि जब यूजर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग को लेने के लिए आता है तो उसके दिमाग में कौन कौन से क्वेश्चंस रहते हैं। उसी तरीके से आपको आपके क्लाइंट के बिजनेस को भी एनालाइज करना है। सपोज उनके दिमाग में ये रहता है कि भाई इसकी अपॉर्चुनिटी कैसी है, ये रहता है कि भाई मुझे कौन कौन सी चीज सीखने को मिलेगी, ये रहता है कि भाई इसका ड्यूरेशन क्या होगा, ये रहता है कि आप कौन कौन सी उसकी फीस क्या होगी, ये रहता है कि भाई मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये सारा कुछ एनालाइज करके मैंने यहाँ पर ही सब कुछ रख लिया, राइट। और फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में जितने भी नॉर्मल क्वेश्चन यूजर के रहते हैं वो मैंने यहाँ पर रख लिया। तो आपको क्या करना है, जब आपको ये दिखता है कि आपका एवरेज विजिट ड्यूरेशन कम है कंपेयर टू द साइट एवरेज, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द कॉम्पिटिटर्स पेज विच आर ऑन द टॉप ऑफ द पेज और यू फाउंड दैट दे आर वर्किंग वेरी गुड, उसको आपको एनालाइज करना है। और वो देख के आपको ये पता कर लेना है कि कौन कौन सी चीज मिसिंग है आपकी वेबसाइट पर। दूसरा एक माध्यम है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च से भी आप ये पता कर सकते हो कि लोग आपके आपकी सर्विस के बारे में या आपकी प्रोडक्ट के बारे में कौन कौन से तरीके से ढूंढते हैं और वो आपको आपकी वेबसाइट पर रखते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वैक्यूम क्लीनर बेच रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो लोगों के 5 या 6 जो बेसिक क्वेश्चंस है वो आइधर आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो या आप क्वेश्चन आंसर में भी डाल सकते हो कि भाई उसका सक्शन पावर कितना है, उसकी वारंटी कितनी है, कौन कौन सी चीज है जो हमको करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए ताकि शॉर्ट सर्किट ना लगे। तो ये जो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है आपको आपके लैंडिंग पेज पर रख देनी है ताकि एवरेज विजिट ड्यूरेशन आपको अच्छा मिले। दूसरा एक रीजन ये हो सकता है कि आपकी वेबसाइट डिजाइन यूजर के लिए कन्विंसिंग ना हो। अभी भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है कि अगर आप उस पर लैंड करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये कौन से जमाने की वेबसाइट है, राइट। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपकी वेबसाइट का एवरेज विजिट ड्यूरेशन कम है। तो आपको क्या करना है, आपकी वेबसाइट को डिजाइन को कंपेयर करना है विद द इंडस्ट्री बेंचमार्क विद द हेल्प ऑफ द कॉम्पिटिटर, और दूसरा आपको आपकी वेबसाइट मोबाइल डिवाइस में चेक कर लेनी है कि मोबाइल डिवाइस में वो कैसी दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये वेबसाइट को चेक करनी है तो एक टूल है रिस्पॉन्सिव टेस्टर, जिससे मैं टेस्ट कर सकता हूँ कि ये मोबाइल डिवाइस में परफेक्टली दिख रही है कि नहीं दिख रही है। गॉट इट, क्लियर। तो दूसरा रीजन ये प्रोबेबल हो सकता है। तीसरा रीजन है कि वेबसाइट डिजाइन, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन और कंटेंट ऑफ द वेबसाइट। तो ये फंडामेंटल 3 रीजन है जब भी आपका एवरेज विजिट ड्यूरेशन कम होता है कंपेयर टू द साइट एवरेज, राइट। ये जब आप रिपोर्ट देखोगे ना तो ज्यादा आपको इंसाइट आएगी, लेकिन अभी सी नॉर्मली क्या होता है गूगल एनालिटिक्स को सीखने में कि सब लोग को ये पता होता है कि भाई गूगल एनालिटिक्स नाम की एक चीज है जिससे आप ये सब कुछ पता कर सकते हो, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसका इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट ऑप्टिमाइज करते हैं या उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, ये बहुत कम लोग हैं, राइट। तो वो कैसे करनी है ना, वो ही मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद में आपको मुझे बताना है कि भाई व्हाट आर द प्रोबेबल रीजन, राइट। उसके बाद है कि अगर आपका एवरेज विजिट ड्यूरेशन ज्यादा है या साइट की कंपेयर में परफेक्ट है, तो आप क्या कर सकते हो वो केसेस में आइदर योर वेबसाइट डिजाइन इज परफेक्ट, राइट, और जो उसका जो हमने नेगेटिव के लिए ढूंढा था उसका रिवर्स, वेबसाइट इज लुकिंग परफेक्ट एंड द इंफॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडिंग इज परफेक्ट। तो ये हो सकता है कि भाई यूजर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है कंपेयर टू दी अदर वेबसाइट, कंपेयर टू दी अदर पेजेस, क्लियर। एवरेज विजिट ड्यूरेशन, यस। है कि एवरेज हम लोग तो ये आपकी जो ट्रेनिंग एसईओ एक्सपर्ट है एकदम, जो मेरा कंसर्न है कि मेरे को एसईओ की ट्रेनिंग लेनी है, तो ऐसे मैंने ढूंढ लिया, राइट। मैंने सर्च किया 10-15 साइट तो मिली,
आपकी भी साइड मेरे को मिल गई, मैं सीधा आपकी साइड पे गया, मेरे को कॉल एंड एक्शन दिखा, तो सीधा मैंने वो ही फायर कर दिया मैंने, तो वो टाइम मेरा लो रहेगा ना, वो टाइम तो हाँ लो है तो उसका ऐसे हाँ प्रॉब्लमेटिक नहीं है। हाँ 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 एग्री, ही हैज रेज्ड वेरी वेरी गुड क्वेरी। इन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं है कि भाई लो है तो वो खराब ही है, तो यू आर राइट। बट मैंने हमेशा इसीलिए मैं साइट की एवरेज को बोलता हूँ कि आपकी साइट का एवरेज सपोज 2 मिनट है, और सब पेज का अगर 2 मिनट है और एक पर्टिकुलर पेज का सपोज 30 सेकंड है, तो वो आप बोल सकते हो कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कम होना चाहिए तो सभी पेज में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही पेज में कम हो और सारे पेज में परफेक्ट हो। लेकिन यूजर रीड तो करेगा ना ऑलरेडी, हाँ वो रीड करके उसकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आया, आपने जो ये कीवर्ड सर्च किया और उसके जो बनाया आपने टाइटल बनाया हेडर बनाया, तो वो सारे उसमें देखा कि ये पेज है तो ये इंफॉर्मेटिव है, ये बाय का पेज है, राइट। आरएनडी कर लेता है, राइट साइड पे नहीं आता, आरएनडी कर ली, आरएनडी तो उसको कांसेप्ट क्लियर हो गया कि मेरे को मेरा माइंडसेट ये है, मेरे को ये करना है, करेक्ट। जैसे ही आपका पेज दिखा उसको, राइट, माइंडसेट तो क्लियर है, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा ही किया था, आरएनडी किया था, आपकी साइड में तुरंत डाल दिया डेमो, मेरे को एकदम 30 सेकंड जैसा भी टाइम वहां पे स्पेंड नहीं हुआ। गॉट इट आपका मुझे समझ में आ गया। तो एक और चीज मैं शुरू में आपको बताना भूल गया कि एनालिटिक्स का पर्पस ये नहीं है कि आप इंडिविजुअल यूजर को ट्रैक करेंगे। एनालिटिक्स का कभी भी ये पर्पस नहीं है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल यूजर क्या कर रहा है। एनालिटिक्स का पर्पस ये है कि आपको ट्रेंड पता चले कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है। अगर 100 लोग मेरी वेबसाइट पर आ रहे हैं तो वो ऑन एन एवरेज कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी आप किसी भी डेटा का एनालाइज करो तो उसका पॉपुलेशन मिनिमम 50-100 यूजर्स का होना चाहिए और होना ही चाहिए, वरना द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई दैट यू विल रीच टू द इनकरेक्ट प्रेडिक्शन। मैं 2 यूजर से ये नहीं बोल सकता कि भाई ये कीवर्ड पे मेरी वेबसाइट नहीं चल रही है, 2 यूजर से। जब तक 50 यूजर के लिए मुझे उसका कन्वर्जन रेट ना मिले, एवरेज विद ड्यूरेशन ना मिले, ये सारी चीज जब मुझे 50 यूजर के लिए ना मिले, तब तक मैं उसके लिए कोई भी प्रेडिक्शन नहीं दे सकता। तो सपोज आपने किया, एग्री, लेकिन सब लोग आपके जितने स्मार्ट नहीं होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि उनको दिमाग में आ गया, ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, उसको दिमाग में आ गया कि भाई एसईओ नाम की कोई चीज है तो मुझे करनी चाहिए, वो फटाक से लिख देंगे एसईओ ट्रेनिंग, उसके बाद में वेबसाइट पर आएंगे और देखेंगे भाई इन्होंने क्या क्या दिया है। तो इंडिविजुअल यूजर को हम कभी भी ट्रैक नहीं कर सकते, हमको ट्रेंड को प्रेडिक्ट करना है कि भाई जो ट्रेंड है वो किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर आपको ट्रेंड में दिखता है कि कुछ गड़बड़ी है, अगर 100 यूजर्स में ऐसा है कि भाई 100 यूजर्स के लिए एवरेज ड्यूरेशन आपका बहुत कम है या ज्यादा है, तो आप बोल सकते हो कि भाई वी मस्ट नीड टू टेक सम एक्शन, राइट। और एक चीज कि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वेबसाइट परफेक्ट हो फिर भी एवरेज ड्यूरेशन कम हो, लेकिन ये बहुत कम होगा, ऐसा नहीं, एक्सेप्शन विल बी देयर इन एनी केसेस, बट ये कम होगा। तो आपके लिए एक्शन आइटम ये है कि आपको सबसे पहले ये सारी चीज चेक तो कर ही लेनी है। अगर फिर आपको दिखता है कि नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन एनी एरिया ऑफ द वेबसाइट्स फॉर द पॉइंट्स आई हैव रिटन हियर, यू कैन कन्विंस योरसेल्फ दैट एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड यू नीड नॉट टू मेक एनी इश्यू, राइट। अभी क्या है कि ज्यादातर वेबसाइट है ना, मैं एग्जांपल के कोई भी पर्सन है, लेमेन, मैं थोड़ा टेक्निकल तो लेमेन है, तो लेमेन के केस में क्या होगा कि एसईओ से सब जगह पढ़ा लिखा पर पता नहीं चला, तो वो डायरेक्टली क्या करे, वो कॉल एंड एक्शन ही कर रहा है। अभी मैंने जो अपना जो मिस्टर है उसमें मेरी वेबसाइट चेंज की ना, तो वो लोग ऐसे मेरी पूरी वेबसाइट रिफर करने का नहीं सोच रहे, उनको जो करना है उस पर करें। वो क्या करेंगे, सीआरपी में तो समझने वाले है ही ना, कनेक्शन मैंने किया, आपके पास कॉल आया, तो एज ए कोई भी ब्रोकिंग वाला है या कोई भी है, मैं ही, मेरे को तो ऐसे कर्टेसी है, मेरे को क्लाइंट मिल रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, राइट, लेक्चर डेमो है, तो उसमें भी आपके साइड भी कर सकती है, दोनों साइड इनबाउंड मार्केटिंग है, तो दोनों को ऐसे ही अट्रैक्शन है कि दोनों वर्क करे,
राइट, तो वो केस में आपको क्या करना है, आपका कन्वर्जन रेट देखना है कि अगर एवरेज विजिट ड्यूरेशन बड़े ही कम है लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग आपको कांटेक्ट कर रहे हैं उनकी आपकी सर्विस लेने के लिए, अगर वो बढ़िया है सो वॉट एवर योर थॉट प्रोसेस इज करेक्ट। आपको दो मैट्रिक्स, तो उसके साथ में एक और मैट्रिक्स देखना पड़ेगा कि हाउ इज योर कन्वर्जन रेट, राइट। उन्होंने ये बताया कि भाई एवरेज विजिट ड्यूरेशन इसलिए कम है कि लोगों को वही है कि भाई हमको नेक्स्ट क्या करना है, वो एक्शन हम यहाँ से ले लेते हैं। तो अगर मुझे डेमो लेक्चर ज्यादा से ज्यादा लोग कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और मेरा एवरेज विजिट ड्यूरेशन कम है तो आई डोंट हैव टू वरी क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव सर्व हो रहा है, तो व्हाई आई शुड वरी। मेरा ऑब्जेक्टिव अगर सर्व नहीं हो रहा है और एवरेज विजिट ड्यूरेशन कम है देन आई हैव टू थिंक कि भाई देयर मस्ट बी अ प्रॉब्लम समवेयर। क्लियर? ओके। उसके बाद है बाउंस रेट। बाउंस रेट मानी, बाउंस रेट का कॉन्सेप्ट 90% में मिसकंसेप्शन है। लोग बाउंस रेट की, मुझे बहुत 100 में से एक शायद एक आध बंदे ने मुझे राइट आंसर दिया होगा, लेकिन आई एक्सपेक्ट कि ये लेक्चर खत्म होने के बाद आप सभी को बाउंस रेट सही मालूम होना चाहिए। सो बाउंस रेट क्या है बेसिकली, जो वेबसाइट पर यूजर आता है जो पेज पर यूजर लैंड होता है वो ही पेज से अगर वो निकल जाता है दिस कॉल्ड बाउंस रेट। अगर आपका, अगर मैं लेमेन लैंग्वेज में बताऊं तो आपने घर बिकने के लिए या रेंट पर देने के लिए रखा हुआ है, तो अगर कोई आदमी आपके घर पर आता है और ड्राइंग रूम से नॉर्मली एंटर होता है जो भी रहता है वो ड्राइंग रूम में आया और ड्राइंग रूम से ही चला गया बाहर, तो हम उसको बाउंस कंसिडर करते हैं। अगर वो ड्राइंग रूम आने के बाद अंदर के रूम में भी घूमने के लिए या देखने के लिए गया तो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दैट यूजर एज अ बाउंस, राइट। तो अभी आप लोग मुझे बताओ कि बाउंस रेट ज्यादा है तो क्या उसके प्रोबेबल रीजन हो सकते हैं, व्हाट आर द प्रोबेबल रीजन वी कैन कंसीडर इफ योर बाउंस रेट इज हाई। यहाँ पर तो प्रोबेबली मैंने लिखा हुआ है, हाँ, तो बाउंस रेट हाई है जैसे उन्होंने बताया कि बाउंस रेट कम है या ज्यादा है, ज्यादा कौन कौन से केसेस में हो सकते हैं उसका मैं आपको प्रोबेबल रीजन बता देता हूँ कि बाउंस रेट आपका ज्यादा है मानी यूजर को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसी पेज में मिल जाती है, वो एक रीजन हो सकता है। जैसे मैंने सब कुछ एक हर एक पेज पर डाला हुआ है, रिक्वेस्ट आपको कांटेक्ट करना है तो भी आप मुझे वो पेज से कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने एक भी चीज कोई भी पेज पर ऐसी नहीं छोड़ी कि आपको उसके लिए दूसरे पेज पर जाना पड़े, वेदर इट इज रिव्यू, वेदर इट इज सिलेबस, whether it is fees, whether it is placement partner, whether it is FAQ, you will find everything on the same page itself. So, हो सकता है कि मेरे केस में bounce rate ज़्यादा हो, right? तो एक reason ये है कि bounce rate ज़्यादा है उसका मतलब ये हो सकता है कि user को सारी information एक पेज पर मिल जाए। एक reason ये भी हो सकता है कि user को जो चाहिए वो नहीं है इसलिए वो website से exit हो जाता है। सपोज आप amazon.com पर गए कोई भी चीज लेने के लिए और आपको जो चाहिए वो वहाँ वो पेज पर नहीं मिला, तो एक प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि आप वेबसाइट छोड़कर चले जाओ, और एक प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि आप दूसरी कैटेगरी पर जाओ, राइट। तो जब बाउंस रेट ज्यादा हो तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि यूजर एग्जैक्टली जो माइंड सेट से आपकी वेबसाइट पर आता है वो इंफॉर्मेशन आपने दी हुई है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल जब लोग ट्रेनिंग इन SEO, जब मैंने ये वेबसाइट लाइव की आज से 1.5 साल पहले, तो थ्री मंथ्स तक ऐसी सिचुएशन थी कि थ्री मंथ से पहले यानी 1 साल तक ऐसी सिचुएशन थी कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग वाला सेक्शन उसमें नहीं डाला था, लेकिन 100 में से 80 यूजर्स डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के कीवर्ड से मेरी वेबसाइट पर आते, तो उस वक्त मेरे होम पेज का बाउंस रेट ज्यादा था। क्यों? क्योंकि लोग जो ढूंढने के लिए आ रहे हैं, जो जिस चीज को दिमाग में रखकर आ रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन ही उसको वहां पर नहीं मिल रही है,
तो वो केस में आपका बाउंस रेट ज्यादा होगा। तो आपको जब बाउंस रेट ज्यादा है तो आपको ये चेक कर लेना है कि कौन कौन से कीवर्ड से ये पेज पर लोग आ रहे हैं, और वो जब आ रहे हैं तो उनके प्रोबेबल दिमाग में कौन कौन से क्वेश्चन रहे हैं, और वो क्वेश्चन का आंसर आपके लैंडिंग पेज पर है कि नहीं है। दूसरा एक रीजन ये हो सकता है बाउंस रेट ज्यादा होने का कि अगर आपका आर्टिकल सेक्शन है, आर्टिकल अगर आपने कोई पर्टिकुलर चीज पर आर्टिकल लिखा हुआ है तो नॉर्मली ऐसा होगा कि आपका बाउंस रेट ज्यादा होगा, क्योंकि आर्टिकल में नॉर्मली ऐसा ही होता है कि वो लोग आर्टिकल पढ़ने के लिए आए हुए होते हैं और आर्टिकल पढ़कर चले जाते हैं। तो नॉर्मली आर्टिकल सेक्शन में आपका बाउंस रेट सर्विस पेज से हमेशा ज्यादा रहेगा, क्योंकि यूजर का इंटेंशन जो इंफॉर्मेशन लेने का है वो उसको आर्टिकल से मिल जाएगा। लेकिन उसमें भी अगर आपको बाउंस रेट कम करना है तो आप क्या कर सकते हो, नीचे रिलेटेड पोस्ट दिखा सकते हो या बीच में उसकी रिलेटेड पोस्ट दिखा सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो जिसमें आप यूजर को एनकरेज कर सको कि वो ज्यादा आर्टिकल पढ़े, राइट। और एक भी रीजन हो सकता है, मैं कई बार इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि बाउंस रेट कौन से केस में 100% होगा, बाउंस रेट कौन से केस में 100% होगा, कॉन्टेक्ट अस पेज पर कब 100% होगा। 100% मानी पहला तो उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते तो आपको ज्यादा ज्यादा आपको क्लैरिटी आ जाएगी। व्हाट डू वी मीन बाय 100% बाउंस रेट। अगर मेरी ट्रेनिंग इन SEO.in वेबसाइट है उसका सपोज 100% बाउंस रेट है, उसका मतलब क्या हुआ? होम पेज का 100% बाउंस रेट है, उसका मतलब क्या हुआ? तुरंत निकल गया या सर को प्रॉब्लम करा है, वो बाउंस रेट को टाइम ड्यूरेशन से कंसीडर करते हैं, वो दोनों इंडिपेंडेंट है, कितने टाइम वो ठहरा उसका कोई रिलेशन नहीं है बाउंस रेट से। बाउंस रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम यूजर हैव स्पेंट ऑन योर वेबसाइट। बाउंस रेट इज सोलीली बेस्ड ऑन हाउ मेनी पेजेस यूजर हैव विजिटेड ऑन योर वेबसाइट, उसका टाइम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो थोड़े टाइम ठहरा वो निकाल दो दिमाग से, कितने पेजेस पर रुका वो रखो दिमाग में, क्लियर। ज्यादातर 100 में से 90% यही जवाब देते हैं कि भाई कम रुका ज्यादा रुका, तो मैं कम की फिर पूछता हूँ तो वो कंफ्यूज हो जाता है, राइट। तो अभी मुझे बताओ कि बाउंस रेट 100% है उसका मतलब क्या रहेगा? नहीं, उसका इंटरप्रिटेशन मैं पूछ रहा हूँ। इंटरप्रिटेशन माने आप उसको इन वन लाइन कैसे बोलोगे? 100 यूजर आएंगे तो क्या करेंगे सभी लोग? एक्सीलेंट, सभी लोग वो पेज से चले जाएंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता यार, 100 के 100 यूजर कैसे चले जाएंगे? तो कौन से केस में होगा कि 100 के 100 यूजर वहां से चले जाएंगे? एक अगर आपकी उस तरीके की वेबसाइट होगी ना, सिंगल पेज वेबसाइट, अगर सिंगल पेज वेबसाइट है तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है यूजर के पास, तो वो केस में आपका बाउंस रेट हमेशा 100% रहेगा। ये बाउंस रेट वाली जो रिक्वायरमेंट है वो हमको कंसीडर नहीं करनी, नल हो जाएगी, नल, क्लियर। तो ये आपको कोई पूछ सकता है कि भाई बाउंस रेट 100% हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कौन सी सिचुएशन में, राइट। उसके बाद है कि बाउंस रेट अगर हाई है, हाई तो हमने देख लिया, अगर बाउंस रेट लो है, नॉर्मली बाउंस रेट का बेंचमार्क क्या है? सो 50% 50 इज योर बेंचमार्क, 50% इज योर बेंचमार्क, राइट। सो अगर बाउंस रेट 50% से ज्यादा है, यानी 50 से ज्यादा यूजर वही पेज से चले जाते हैं, तो यू हैव टू डू द इन्वेस्टिगेशन आई हैव रिटन हियर। और अगर 50 से कम लोग जाते हैं तो इट्स ओके, इट इज अ नॉर्मल ट्रेंड। तो अगर बाउंस रेट कम है तो उसका ऑपोजिट के यूजर को आपने उस तरीके से स्ट्रक्चर की है वेबसाइट की, यूजर को ज्यादा पेज ढूंढने को आप इंस्पायर्ड कर रहे हो। सपोज होम पेज पर आया तो वो कॉन्टेक्ट अस पेज पर चला जाता है, या होम पेज पर आया तो प्लेसमेंट पार्टनर पेज पर चला जाता है, तो आप एनकरेज कर रहे हो कि भाई यूजर को इतना इंटरेस्ट हो कि वो दूसरे पेज पर जाए, ताकि वो आपको
आपकी सर्विस लेने के लिए और ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें और आपको वो कॉन्टेक्ट करें। तो नॉर्मली ऐसा ही रहता है कि हायर द पेजेस यूजर विल विजिट ऑन योर वेबसाइट, हायर द चांसेस दैट दे विल कॉन्टेक्ट। अगर कोई बंदा आपको 10 क्वेश्चन करता है तो उसका इंटरेस्ट होगा तभी वो करेगा, अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो एक या दो क्वेश्चन पूछकर चला जाएगा। हर एक केस में ऐसा नहीं होता है लेकिन इन जनरल ट्रेंड ऐसा रहता है, राइट? तो बाउंस रेट इज एवरीवन क्लियर अबाउट द बाउंस रेट, ओके। अब और एक आगे चलते हैं, पेजेस पर सेशन। सो पेजेस पर सेशन, पेजेस पर सेशन मानी जब यूजर आपकी वेबसाइट पर आता है तो ऑन एन एवरेज कितने पेजेस को सर्व करता है, राइट? अगर मैंने ट्रेनिंग एन एसईओ डॉट इन वेबसाइट ओपन की, उसके बाद में मैं होम पेज पर गया, उसके बाद में मैं अबाउट अस पेज पर गया, उसके बाद में मैं कॉन्टेक्ट अस पेज पर गया और मैं वेबसाइट से बाहर निकल गया, ये मेरा नेविगेशन पाथ है, तो मेरा पेजेस पर सेशन कितना रहेगा? 3 रहेगा, क्योंकि मैंने एक सेशन में 3 पेजेस को विजिट किया। क्लियर? ये मैट्रिक्स क्लियर हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, पेजेस पर सेशन कम हो तो हमें क्या करना है, पेजेस पर सेशन ज्यादा हो तो हमें क्या करना है, राइट? सो अगर पेजेस पर सेशन कम है तो उसका प्रोबेबल रीजन क्या हो सकता है, व्हाट आर द प्रोबेबल रीजन दैट पेजेस पर सेशन इज लो? यूजर को प्रोबेबल ऑप्शंस नहीं है या कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, आपकी वेबसाइट इतनी अच्छी नहीं है कि यूजर को वो कन्विंस करे कि आप दूसरे पेज पर जाओ, और कोई रीजन? इंफॉर्मेशन उसको नहीं मिल रही है, आपने लैंड किया है एसईओ ट्रेनिंग के लिए और पूरा ऐसे लिख दिया है होम पेज पर, तो यूजर विल गेट कंफ्यूज कि यहाँ पर मैं सर्विस लेने के लिए आया हूँ, यहाँ पर आपका आर्टिकल पढ़ने के लिए मैं नहीं आया हूँ। जस्ट शो मी टू द पॉइंट मैसेज कि एसईओ ट्रेनिंग लेनी है तो कौन कौन सी चीज आप सिखाओगे, उसकी प्राइस, उसकी कॉस्ट क्या रहेगी और मुझे नेक्स्ट क्या एक्शन लेनी है। तो भी लो रहेगा, लेकिन इन जनरल वो नहीं लो रहेगा, इन जनरल मानी हर एक विजिटर्स की ऐसी ऐसा ट्रेंड नहीं रहेगा, ज्यादातर लोग दूसरे पेज पर जाएंगे ज्यादातर। अगर कोई बंदा ऑलरेडी सारा कुछ रिसर्च करके आएगा तो वो कम भी टाइम स्पेंड कर सकता है, तो आप हर एक के लिए नहीं बोल सकते हो, लेकिन ऑन एन एवरेज रहेगा। और कोई रीजन पेजेस पर सेशन कम होने का? वेबसाइट डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से खराब है, नंबर टू इंफॉर्मेशन इज नॉट टू द पॉइंट, एनी अदर रीजन? हाँ, सिक्योरिटी, यस। तो ये भी हो सकता है कि भी सिक्योरिटी को आपको कैसे पता चलेगा कि यूजर को सिक्योरिटी के मामले में प्रॉब्लम है? ये बोल रहे हैं कि अगर आप, मैंने HDFC का बैंक का अकाउंट किया है और अगर मैं 10 सेकंड या 15 सेकंड से ज्यादा इनएक्टिव रहता हूँ तो वो मेरा सेशन खत्म कर देंगे, राइट? लेकिन वो केस में क्या है कि हमने यूजर को ऑलरेडी कन्विंस कर दिया है, हमको अभी वो पेज को देखना है। अभी ये जो सारी चीज हम एनालाइज करेंगे ना, वो लैंडिंग पेज के लिए करेंगे। लैंडिंग पेज मानी जहां से आपको यूजर कॉन्टेक्ट कर सकता है या यूजर आपकी सर्विस या प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए वहां पर लैंड होगा। मेरा डिजिटल मार्केटिंग वाला जो पेज है वो मेरा लैंडिंग पेज है, मेरा अबाउट अस पेज है वो लैंडिंग पेज नहीं है। कोई यूजर डायरेक्ट अबाउट अस पेज पर नहीं आया, कोई यूजर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट अस पेज पर नहीं आएगा, तो वो मेरा लैंडिंग पेज नहीं है, तो उसकी मुझे बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो भी परफेक्ट होने चाहिए, लेकिन जो मेरे प्राइमरीली मेरा जो ड्राइंग रूम है वो परफेक्ट होना चाहिए। इंटीरियर रूम चलेगा क्योंकि 100 में से बहुत कम लोग वहां पर जाएंगे, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल हु विल कम ऑन द लैंडिंग, राइट? तो वो है कि बाउंस रेट कम है ज्यादा है, राइट? सो इन जनरल यही रहता है मैट्रिक्स में कि 3 या 4 चीज ही रहती है कि अगर आपका ज्यादा है या कम है तो ये रहता है कि भी आपने इंफॉर्मेशन परफेक्ट नहीं दी हुई है, या आपकी वेबसाइट डिजाइन परफेक्ट नहीं है, या
जो कीवर्ड से यूजर आ रहा है उसके रिलेवेंट आपकी इंफॉर्मेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी वेबसाइट कितनी भी अच्छी हो, लेकिन मेरी वेबसाइट पर वेबसाइट डिजाइन ट्रेनिंग के लिए कोई आएगा तो वो कम ही रहेगा या बाउंस रेट ज्यादा ही रहेगा। तो वो भी मुझे चेक करना है कि जो ऑडियंस आ रही है वो हम सही जगह पर मार्केटिंग कर रही है, वो उस तरीके से आ रही है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो वो भी हम आपको चेक करना है। ऐसा नहीं है कि हर एक बार पेजेस में ही इश्यू रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑडियंस आ रहा है वो कौन सी माध्यम से आ रहा है, यानी कौन से मीडियम से आ रहा है, और वो जो आ रहे हैं वो उसके हिसाब से ही आ रहे हैं कि आप सर्विस दे रहे हो, राइट। तो ये सारे प्रोबेबल रीजन हो सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं बाउंस रेट, लेकिन क्लियर हो गया ना सबका, राइट। ओके, पेजेस पर सेशन आ गया, उसके बाद है सेशंस। सो सेशंस मानी, कोई बोलेगा मुझे सेशंस मानी? ऊपर जो अपने टाइम टोटल टाइम जो निकाला हुआ है इंटरनेट ट्रेंड क्या है उसको सेशन कहते हैं। एक वो जो उसको इंफॉर्मेशन उसको क्या बोलेंगे, देगा उन्होंने जो बोला उसको विजिट क्या किया है बोलेंगे? विजिट वही सेशन विजिट विजिट नहीं, कितने टाइम निकाला उसको क्या बोलेंगे? एवरेज टाइम विजिट ड्यूरेशन बोलेंगे। कितना टाइम निकाला, हाउ मच टाइम यू हैव स्पेंड ऑन द वेबसाइट इज एवरेज विजिट ड्यूरेशन। और सपोज मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से दे देता हूँ कि सपोज मैं, आप और ये, इन तीनों ने ट्रेनिंग इन एसईओ डॉट इन ओपन की, राइट। तो सेशन कितने रहेंगे? और मैंने सपोज 1 मिनट स्पेंड की, होम पेज देखा, अबाउट अस पेज देखा और निकल गया। 1 मिनट इन टोटल, 1 मिनट स्पेंड की आपने, 2 मिनट स्पेंड की और इन्होंने 3 मिनट स्पेंड की, तो 3 + 2 5 + 1 6, सो 6 / 2, सॉरी 6 / 3, तो एवरेज विजिट ड्यूरेशन क्या रहेगा? 2 मिनट्स पर यूजर और पर सेशन, सॉरी नॉट पर यूजर, पर सेशन। क्लियर? तो ये क्लियर डिफरेंस हो गया टाइम सेशन और सेशन, एवरेज विजिट ड्यूरेशन और सेशन में, राइट। तो सेशन का मतलब सिंपल ये है कि कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को देखा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पेजेस। कौन सा पेज देखा वो आपको अभी ये मैट्रिक्स में आपको नहीं कंसिडर नहीं होता, ये मैट्रिक्स में। सेशन में ये भी है कि एक ही बंदा अगर 5 बार वो वेबसाइट विजिट करता है तो उनके 5 सेशन कंसिडर होंगे, एक सेशन नहीं कंसिडर होगा। आज मैंने एक वेबसाइट ओपन की आप ट्रेनिंग इन एसईओ, कल मुझे और कोई क्वेश्चन रेज हुआ तो मैंने कल फिर से ओपन की, और 25 दिन बाद भी मैंने वो एक ओपन की, तो ये तीनों के सेशन 3 कंसिडर हो गए। और एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है परसेंटेज ऑफ यूनिक विजिटर्स। तो यूनिक विजिटर्स में एक ही काउंट होगा, उसकी विंडो पीरियड रहती है 3030 डेज। अगर 30 दिन में एक यूजर ने जितनी भी बार वो वेबसाइट ओपन की है तो वो एक ही यूजर कंसिडर होगा, और सेशंस जितनी बार विजिट किए हैं वो कंसिडर होंगे, लेकिन परसेंटेज ऑफ यूनिक सेशन में वो एक ही कंसिडर होगा। यानी अगर आपके 500 सेशंस हुए तो हो सकता है उसमें से यूनिक सेशंस 200 ही हो, यानी 200 लोगों में से कई लोगों ने उसको ज्यादा बार विजिट 30 डेज में किया है। क्लियर? सेशंस और यूनिक सेशन क्लियर? अगर सेशन ज्यादा है कंपेयर टू लास्ट मंथ, सेशन तो आप लास्ट मंथ से ही कंपेयर करोगे ना, सो अगर ज्यादा है तो उसके प्रोबेबल रीजन क्या हो सकते हैं? अगर विजिट ज्यादा है तो उसके प्रोबेबल रीजन क्या हो सकते हैं? वेबसाइट अच्छी है, वेबसाइट अच्छी है नहीं। आप अभी क्या हुआ है, अब तक हमने जो मैट्रिक्स देखे ना वो विजिटर आने के बाद के देखे, अभी जो मैट्रिक्स देख रहे हैं वो विजिटर आने से पहले के मैट्रिक्स है, कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पर आए, आकर क्या किया वो नहीं है। समझे आप फंडामेंटल डिफरेंस? तो ये है कि सेशन है आपके ज्यादा है तो सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि द फर्स्ट रीजन शुड बी दैट दैट योर रैंकिंग हैज बिन इंक्रीज। तो रैंकिंग आपका इंक्रीज हुआ है तो ज्यादा लोग देखेंगे, ज्यादा लोग देखेंगे तो ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पर आएंगे। तो आपको ये देखना है कि कौन कौन से कीवर्ड पर आपका रैंकिंग इंप्रूव हुआ है जब आपका सेशन बढ़े तब। दूसरा प्रोबेबल रीजन क्या हो सकता है? मार्केट इंप्रूव,
हाँ मार्केटिंग इज वेरी जेनेरिक टर्म, यू आर इन द राइट डायरेक्शन, बट किस तरीके से आप मार्केटिंग किया हुआ है? सोशल मीडिया से, राइट? तो फेसबुक में मैंने बूस्ट किया है मेरी पोस्ट को, राइट? पेड मार्केटिंग किया है फॉर एग्जांपल, और वो पेड मार्केटिंग की वजह से ज्यादा सेशन आ रहा है, या मैंने एक आर्टिकल जो पब्लिश किया है वो बहुत ही पॉपुलर हो गया है, उससे भी आपको ज्यादा। तो ये आप सब कुछ एनालाइज कर सकते हो इससे। हम जब ये 50 रिपोर्ट देखेंगे तो इसमें से एक सेक्शन आएगा कि भाई किस तरीके से, कौन से पेजेस पर किस किस माध्यम से विजिटर्स आए हुए हैं, सो यू कैन एनालाइज एवरीथिंग। तो सेशंस के ये 3 या 4 प्रोबेबल रीजंस रह सकते हैं, सीजनल इफेक्ट भी हो सकती है। सपोज अभी राखी की सीजन आ रही है, राइट? मंडे को रक्षाबंधन है, तो सैटरडे और संडे को जो भी राखी बेच रही है जो वेबसाइट, उस पर हाई रहेगा ट्रैफिक, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये वेबसाइट अच्छी हो गई, राइट? इट इज अ सीजनल इफेक्ट एज वेल, राइट? राइट, तो ये है सेशंस अच्छे होने के रीजंस। तो सेशंस कम होने का रीजंस क्या हो सकता है? उसका ऑपोजिट क्या? लेकिन बताओ तो सही, उसका ऑपोजिट क्या? रैंकिंग आपका डाउन हो सकता है, राइट? ये आपको चेक करना है, बिलीव पर नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि भाई ये हो सकता है, ये नहीं, आपको अंदर जाके दूसरे रिपोर्ट में जाकर चेक करना है कि भाई एक्चुअली डाउन हुए कि नहीं हुए। आप ऐसा बोल नहीं सकते कि भाई हो सकता है, ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, ये नहीं बोल सकते, राइट? यू हैव टू फाइंड, सी ये सारे प्रोबेबल रीजन है, ये एग्जैक्ट रीजन नहीं है, राइट? अगर कोई बंदा बाहर से भीग कर आया है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते बाहर बारिश गिर ही रही है। ऐसा भी हो सकता है वो बहुत धूप है और वो भीग कर आया है। तो इस तरीके से ये है कि इसके प्रोबेबल रीजन हो सकते हैं। तो सबसे पहले रैंकिंग, नंबर टू सीजन रिलेटेड बिजनेस में ही हो सकता है, राइट? अगर उसके नेक्स्ट सैटरडे संडे को वो देखे कि वे कितनी विजिट चाहिए तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं होगी या बहुत कम होगी। नंबर थ्री, आपकी वेबसाइट डाउन है। अगर आपकी वेबसाइट डाउन है तो वो केसेस में भी विजिटर सेशन कम रहेंगे। नंबर फोर, पेड लोडिंग टाइम ज्यादा है तो भी हो सकता है, राइट? पेड लोडिंग टाइम इज हाउ मच टाइम योर पेज टेक्स, हाउ मच टाइम योर पेज टेक्स टू लोड और टू ओपन फॉर द यूजर, इट्स कॉल्ड पेड लोडिंग टाइम। अगर मैं कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ और वो 2 सेकंड करता है वेबसाइट ओपन करने में, तो उसका पेड लोडिंग टाइम क्या होगा? 2 सेकंड। हाउ टू ऑप्टिमाइज इट, दैट वी आर गोइंग टू, फॉर फ्यू वी ऑलरेडी सीन एंड फॉर फ्यू वी आर गोइंग टू सी इट इन द लेटर स्टेज। सो ये भी हो सकता है, वेरी गुड। और कोई रीजन? डेवलपर ने कोई चेंजेस किया है और आपकी वेबसाइट डिजाइन ना, लेकिन वेबसाइट डिजाइन तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो आने के बाद का प्रॉब्लम है, राइट? तो यही हो सकता है कि भाई दीज आर द रीजंस। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, ये होता ही है आपके केसेस, मेरे केसेस में भी बहुत हुआ है। तो ये तो अभी मैंने सारे चेक पॉइंट बना दिए हैं कि भाई जब डेवलपर कोई भी काम, मेरे केसेस में ऐसा हो गया था कि उसने कॉन्टेक्ट फॉर्म जा था ना, उसका ईमेल आईडी गलती से गलत लिख दिया था, तो लोग फॉर्म फिलआउट करते थे लेकिन हम मुझ तक पहुंचते नहीं थे, तो वो भी हफ्ते की जितनी भी लीड थी वो मेरी मिस हो गई। तो डेवलपर तो हमेशा रॉबोट की तरह ही काम करता है, ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि भाई डेवलपर अपने आप समझ लेगा तो वो कभी भी नहीं होगा, राइट? 100 में से 90% ऐसा ही होता है। तो आप, मैंने ऐसे चेक पॉइंट बनाया है कि जब भी कोई डेवलपर काम करता है ना, तो ये 10 पॉइंट चेक करके ही आगे बढ़ना है। तो उन्होंने, उनके केस में यस, ये भी प्रोबेबल रीजन हो सकता है कि नो इंडेक्स कर दिया हो, आप गूगल को ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि ये पेज को इंडेक्स नहीं करना, तो ऑब्वियसली वो इंडेक्स ही नहीं होगा तो रैंकिंग में कहाँ से आएगा, और रैंकिंग में नहीं आएगा तो आपकी विजिट ऑब्वियसली कम हो जाएगी, राइट? करेक्ट, वेरी गुड इंफॉर्मेशन। अगर ज्यादा है तो देख लिया, न्यू यूजर्स और परसेंटेज ऑफ न्यू सेशंस। तो परसेंटेज ऑफ न्यू सेशंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि भाई कितने हैं, और न्यू यूजर्स, तो न्यू यूजर्स मानी कितने यूजर ने आपकी वेबसाइट को पहली बार
देखा है लास्ट 30 डेज में, यानी सपोज जैसे मैंने बताया कि अगर मैं एक ही वेबसाइट को 30 दिन में 5 बार ओपन करता हूँ तो मैं मेरी एक ही विजिट्स कंसिडर होगी। तो इतने सारे कितने विजिटर्स हैं कि जो न्यू विजिटर्स हैं जिन्होंने पास्ट में कभी भी आपकी वेबसाइट को ओपन नहीं किया है और वो पहली बार आ रहा है, तो आपको ये भी देखना है कि भाई न्यू यूजर्स कितने आ रहे हैं। तो न्यू यूजर ज्यादा आ रहा है उसका मतलब क्या होगा? आपका मार्केटिंग सही डिरेक्शन में जा रहा है। ऐसा नहीं है कि रिपीटिंग विजिटर ही आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल शेर खान है तो शेर खान के लॉग इन पेज पर वो देखे तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग विजिटर्स है वो तो लॉग इन करने के लिए वहां पर जाएंगे ही जाएंगे। तो आपको ऐसे देखकर खुश नहीं होना है कि भी 10,000 विजिटर्स होम पेज पर आए। आपको ये देखना है कि परसेंटेज ऑफ न्यू विजिटर्स कितने आए, क्योंकि न्यू विजिटर्स ही आपके लिए प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, राइट? तो सिर्फ सेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, ऑन टॉप ऑफ सेशंस यू हैव टू चेक कितने नए आए हैं जो पहली बार आपकी वेबसाइट पर आए, राइट? आपको ये भी देखना है कि परसेंटेज ऑफ रिपीटिंग विजिटर्स, कि भाई एक बार जो यूजर ने आपकी वेबसाइट ओपन की वो फिर से ओपन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर वो कर रहा है तो योर सर्विस एंड विजिट्स, योर सर्विस एंड द इंफॉर्मेशन है वो कन्विंस द यूजर, और योर मार्केटिंग टीम हैज कन्विंस द यूजर टू रिविजिट दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। अगर कोई बंदा यहाँ पर कॉन्टेक्ट करता है और मेरा एक सीधा ईमेल उसको शूट हो जाता है कि भाई थैंक्स फॉर योर इंक्वायरी और वी विल गेट बैक टू यू सून, राइट? इन द मीन टाइम इफ यू वुड लाइक टू गेट द मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन वॉच दिस वीडियो। तो ये मैंने यूजर को एंगेज कर लिया। उसके बाद 2 दिन बाद और एक मैसेज जाता है जिसमें मैं और कुछ इंफॉर्मेशन बताता हूँ, जिसमें मैंने वेबसाइट की लिंक भी रखी हुई है। तो ये क्या हुआ, क्लाइंट को रिटेन रिटेन किया मैंने। ऐसा नहीं कि एक बार लीड आई उसने ना बोला तो छोड़ दिया, उसको रिटेन किया। उसको आप ये बोल सकते हो कि वो लीड को मैंने नर्चर किया। वो लीड को मैंने क्या किया, नर्चर किया कि भाई आप आए हो दैट्स ओके, अगर नहीं लिया है तो भी दैट्स ओके, लेकिन आप जिन्होंने किया है उसका तो रिजल्ट देखकर जाओ। जिन्होंने ये ट्रेनिंग ली है उन्होंने क्या गेन किया है वो तो देखकर जाओ, तो वो ऑटोमेटेड आप कर सकते हो, राइट? तो उससे आपका रिटेंशन भी बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कन्वर्जन। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। कन्वर्जन मानी, मैंने बहुत बार आपको लोगों को पूछा है, बताया है कि कन्वर्जन क्या है। क्या है कन्वर्जन, क्या है कन्वर्जन? लीड, लीड मानी व्हाट इज लीड? इंक्वायरी मानी, वही उसको ही हम लीड बोलेंगे, और कोई लीड नहीं हो सकती। योर पॉइंट इज राइट बट इट इज नॉट सफिशियंट। हाँ, कॉल आए, यस, वेरी गुड। और कोई? ईमेल आएंगे। तो इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं कन्वर्जन के लिए? इन जनरल हमको ये एक्सप्लेन करना हो तो व्हाट वी कैन से अबाउट द कन्वर्जन? जब यूजर हमारी डिजायर्ड एक्शन करता है तब हम उसको कन्वर्जन बोलेंगे। ये तो पर्टिकुलर केस है। मेरे केस में ये भी हो सकता है कि अगर कोई ईमेल के लिए सब्सक्रिप्शन करता है ना तो वो मेरे लिए लीड है। समझ गए? तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हर एक टाइम लीड ही कन्वर्जन है। वेन एवर यूजर डू योर डिजायर्ड एक्शन, जो आप यूजर से करवाना चाहते हो वो जब यूजर करता है तब आप उसको कन्वर्जन बोलेंगे। लेकिन मेजोरिटी टाइम वो लीड रहती है। मेजोरिटी टाइम वो क्या रहती है, लीड। कई लोगों का ऐसा भी पर्पज रहता है कि यूजर ज्यादा से ज्यादा पेज देखे वो उनको लीड की तरह कंसीडर करते हैं। अगर आपकी एडसेंस की वेबसाइट है जिससे आप एड से रेवेन्यू कर रहे हो तो आपका पर्पज ये रहता है कि यूजर 3 पेज तो देखे ही देखे। तो आप ऐसा भी सेट कर सकते हो कि भाई हाउ मेनी यूजर्स हैव कंप्लीटेड 3 पेजेस इन अ सेशन, इन वन सेशन। तो ये भी आपके लिए कन्वर्जन हो सकता है, समझे? सो इन इन जनरल कन्वर्जन मीन्स हाउ मेनी यूजर्स हैव डीड योर डिजायर्ड एक्शन, क्लियर? तो अभी हम एक के बाद एक इसको देखते हैं कि भाई गोल क्या क्या हो सकता है। तो ऑलरेडी उन्होंने काफी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी और हमने डिस्कस कर लिया। सो गोल कम है ज्यादा है तो वो हम देखते हैं कि भाई गोल कन्वर्जन रेट का बेंचमार्क क्या है। सबसे पहले तो इन जनरल उसका बेंचमार्क है 3%। 100 में से नॉर्मली 3 लोग आपको कॉन्टेक्ट करते
करने चाहिए। लेकिन प्लीज नोट के दिस इज गोइंग टू बी वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है कि 3% से ज्यादा है तो आपको खुश होने की जरूरत है या कम है तो दुखी होने की जरूरत है। गूगल एनालिटिक्स में एक रिपोर्ट है बेंचमार्क, यानी आप जो इंडस्ट्री में हो और आप जो रीजन में हो उसमें अलग अलग जो वेबसाइट है आपकी कॉम्पिटिटर्स उनकी कंपेयर गूगल आपके साथ करेगा। ये एक रिपोर्ट है बेंचमार्क रिपोर्ट, उससे आपको तय करना है कि यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन ऑन। समझ गए मेरी बात? क्योंकि तो बेंचमार्क तो आपके आपकी सेगमेंट में इन वन लाइन आपके जो कॉम्पिटिटर थे उस उनकी कंपेयर में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो इन वन लाइन। अगर वो अच्छा है यू आर डूइंग गुड, अगर वो कम है, जो मैं बताऊं आपको इसमें एक बेंचमार्क करके रिपोर्ट है राइट, ये बेंचमार्किंग है। सो ऑडियंस के सेगमेंट में ये आता है, तो मेरी जो सेगमेंट है गूगल मास्टर वाली है ना, तो वो नहीं दिखाएगा। यहां पर मेरा बेंचमार्क है, ये मेरी कैटेगरी है इंटरनेट एंड टेलीकॉम। सबसे पहले आपकी कैटेगरी सही होनी चाहिए राइट, आपको देख लेना है कि भाई कौन सी कैटेगरी है। मार्केटिंग है इसमें, सॉरी मैं ट्रेनिंग बोलूंगा इसको, तो ये मेरी सही कैटेगरी। तो ये कैटेगरी की कंपेयर में मेरा कैसा चल रहा है तो यहां से आपको पता चल जाएगा। ये बेंचमार्क रिपोर्ट है कि भाई डेस्कटॉप में कितने सेशंस, ऑन एन एवरेज कॉम्पिटिटर के 60 सेशंस होते हैं डेस्कटॉप पर, मेरे हुए 115, सो इट इज गुड, आई एम डूइंग गुड कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स इन दिस सेगमेंट। और कंट्री और रीजन भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, और डेली सेशन साइज बाय डेली सेशन भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो। डेली सेशन माने कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को विजिट की, जिसके बेसिस पर ये मैट्रिक्स उन्होंने निकाला राइट। तो आप यहाँ पर भी इंडिया सिलेक्ट कर सकते हो या गुजरात भी, प्रोबेबली गुजरात है कि नहीं आई एम नॉट श्योर, है वेरी गुड। चलो ये स्टेट लेवल का भी देता है तो इट इज वेरी गुड राइट। तो मैं टेबलेट पर मेरी कम है लेकिन इट इज वेरी माइनर, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, 6 यूजर्स इज नथिंग राइट। लेकिन ये दो सेगमेंट में मेरा बहुत 134, यानी दूसरों की वेबसाइट पर अगर 100 यूजर्स आते हैं तो मेरी वेबसाइट पर 134 यूजर्स होते हैं। मेरे वेबसाइट पर 96 आया है इन टोटल, और दूसरों की वेबसाइट पर इन टोटल 41 आया है, और ये 41 में से इतना ये दोनों का सब्ट्रैक्ट हुआ इतना बड़ा, तो 100 से कितना बड़ा, ये नंबर एक्विजिशन। हाँ ये यहाँ पर परसेंटेज है और यहाँ पर एक्चुअल नंबर है, क्लियर? सो गोल क्लियर हो गया। ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट मानी 100 यूजर्स में से कितने लोगों ने आपकी प्रोडक्ट ली, सिंपल। ई कॉमर्स कन्वर्जन में फनल आएगा, फनल माने यूजर को डिजायर्ड एक्शन करना, यूजर को वो परचेस करने के लिए कौन कौन से फेजेस से गुजरना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स में ये रहेगा, सर्विस में ये नहीं रहेगा। सबसे पहले ये रहेगा कि भाई आपको एड टू कार्ट में आपकी प्रोडक्ट ऐड करनी है, उसके बाद में आपको उसके बाद में आपकी शिपिंग डिटेल्स डालनी है या लॉगिन करना है, उसके बाद में आपको पेमेंट मेथड सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद में पेमेंट गेटवे पर जाना है, और उसके बाद में थैंक्स पेज कराना है। तो ये चार या पांच फेज है, ये फनल बोलते हैं राइट, प्रोसेस बोलते हैं कि जिसको फॉलो करके ही आप वो प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। सो ई कॉमर्स में वो भी आपको देखना है, वो किस तरीके से देखना है वो हम डिटेल में जब वो रिपोर्ट में आएंगे तब देखेंगे। तो उसका कन्वर्जन रेट कम है, ये उसके प्रोबेबल रीजन क्या हो सकते हैं। गोल सबसे पहले गोल देखते हैं, उसके बाद कन्वर्जन देखते हैं। तो गोल के अगर गोल आपका कंपेयर टू लास्ट मंथ या कंपेयर टू अदर सेगमेंट अगर आपका कम है तो क्या बोलेंगे हम लोग, राइट? यस, एक प्रोबेबल रीजन आउट ऑफ स्टॉक का हो सकता है।
वेरी गुड, और कोई प्रोबेबल रीजन? एक्सीलेंट, करेक्ट। और कोई ऑब्जर्वेशन? और कोई प्रोबेबल रीजन? सॉरी, फ्री शिपिंग नहीं है, वो भी सकता है। वेरी गुड। यूजर फ्रेंडली आपकी डिजाइन नहीं है तो भी हो सकता है, राइट? आपके जिप कोड पर अवेलेबल नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, वो भी हो सकता है, राइट? राइट। हाँ, हो सकता है, रिटर्न पॉलिसी भी है। हो जाएगा, राइट। सिक्योर कनेक्शन नहीं है तो भी हो सकता है, राइट। तो ये सब आपको एक्चुअली चेक करना है, ये सभी चीज आपको चेक करनी है जब आपको दिखे कि भाई ई-कॉमर्स कन्वर्जन रेट कंपेयर टू लास्ट मंथ आपका लो है। सो व्हाट आर द चेंजेस यू हैव मेक, तो आपको एक के बाद एक चेक करके अगेन रिपोर्ट देना है आपकी टीम को कि भाई ये करो तो प्रोबेबल नेक्स्ट मंथ आपको अच्छा मिले। सर्विस वेबसाइट में गोल आपके कम हुए, उसका क्या रीजन हो सकता है? उसके बाद ज्यादा के देखेंगे क्या रीजन हो सकता है कि आपके गोल कम कंप्लीट हुए। मेरी एग्जांपल ले लो कि कम लोगों ने डेमो लेक्चर के लिए रिक्वेस्ट भेजी है कंपेयर टू लास्ट मंथ, तो क्या रीजन हो सकता है? हाँ, तो ये एक रीजन हो सकता है। करेक्ट 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 करेक्ट। ये रिव्यूज इज वन ऑफ द फैक्टर। एनी अदर फैक्टर? डेवलपर वेबसाइट डिजाइन में कुछ इश्यू है तो भी, सपोज ऐसा जैसे मैंने बताया था कि भाई कॉन्टेक्ट पेज पर लोग थैंक्स पेज पर जा ही नहीं रहे थे, तो एक्चुअली यूजर मुझे कॉन्टेक्ट कर रहे थे लेकिन गोल नहीं होता था, क्योंकि गोल में ऐसा होता है कि अगर कोई यूजर पर्टिकुलर पेज पर जाता है तो ही हम उसको गोल कंसिडर करते हैं, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। और कुछ सीजनल इफेक्ट भी हो सकता है, जैसे 2 महीने पहले मई के महीने में पूरे महीने में 2 ही कैंडिडेट ने मेरी ट्रेनिंग ली थी पूरे महीने में, क्योंकि मई महीना ऐसा होता है कि लोगों को एग्जाम खत्म होती है और लोगों नॉर्मली घूमने की प्लान कर रहे होते हैं, तो सीजनल इफेक्ट भी हो सकती है, और एग्जाम से लोग थक पके हुए होते हैं तो भी नहीं लेते हैं। और कोई रीजन सर्विस सेगमेंट में? कॉस्टिंग, आप कितने में ट्रेनिंग दे रहे हो? ऐसा हुआ था कि सबसे पहले मैंने 30,000 लिखा हुआ था तो वो मैंने स्टार्ट फ्रॉम 15,000 कर दिया, तो फटाक से लीड ज्यादा आने लगी, तो आपको ये भी एनालाइज करना है कि भाई क्या रीजन हो सकता है। आपको कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना है कि भाई जो पहले पेज पर आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या दिखा रहे हैं और हम क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी यूजर एक वेबसाइट से डिसीजन नहीं लेगा, अभी यूजर नॉर्मली 3 या 4 वेबसाइट देखेगा उसके बाद ही डिसीजन लेगा, तो आपको वो सारे पैरामीटर के लिए आपकी वेबसाइट को एनालाइज कर लेना है। आपकी मार्केटिंग टीम सही तरीके से अप्रोच कर रही है कि नहीं कर रही है वो भी आपको देखना है, क्लियर? तो ये है गोल। उसके बाद है डायमेंशन। सो डायमेंशन जैसे मैंने बताया कि पर्टिकुलर यूजर की वो कैरेक्टरिस्टिक बताता है कि भाई कौन से रीजन में से वो आया है, कौन से लोकेशन से आया है, कौन से ब्राउजर से आया है, एटसेट्रा। सो ये जैसे मैंने बताया कि ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन है और ये मैट्रिक्स, क्लियर? प्रॉबेबली आज घर पे जाकर आप बहुत सारे रिपोर्ट को खुद ही एनालाइज कर सकोगे, क्योंकि यही फंडामेंटल है। अगर आपको ये पता चल गया तो रिपोर्ट तो क्या है, फिर वेरीस होते रहेंगे वो पर्टिकुलर सेगमेंट के हिसाब से, लेकिन जो मैट्रिक्स बढ़ा तो क्या करना है, सॉरी क्या प्रॉबेबल रीजन हो सकते हैं, कम हुआ तो क्या प्रॉबेबल रीजन हो सकते हैं, यही सब ज़्यादातर लोगों को यही तकलीफ होती है कि नेक्स्ट करना क्या है इसको रीड करके, समझ गए? उसके बाद है, अभी हम चलते हैं सबसे पहला स्टेज कि हमको गूगल एनालिटिक्स कन्फिगर कैसे करना है, यानी हमारी वेबसाइट पर वो डालेंगे कैसे जिससे गूगल डेटा ट्रैक करना शुरू कर दे। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर जाना है आपको, यहाँ से एडमिन में जाना है। अगर आपका पहली बार आप ओपन कर रहे हो तो आई डोंट नो, एडमिन में ही जाना प्रॉबेबली होगा। यहाँ से आपको अकाउंट सेक्शन में जाना है और अकाउंट सेक्शन में क्रिएट न्यू अकाउंट में जाना है।
हर एक अकाउंट में गूगल आपको 100 अकाउंट 100 डोमेन को एनालिसिस करने करने की उसकी लिमिट रहती है, राइट, विच इज वेरी बिग, 100 इज वेरी बिग, राइट। उसमें से मैंने 20 फॉर एग्जांपल यूज कर दिए, तो यहाँ पर आपको क्लिक करनी है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये लिखना है कि भाई आपकी वेबसाइट है या आपकी ऐप है, राइट। अगर आपकी वेबसाइट है तो आपको क्या लिखना है, अगर आपकी ऐप है तो आपको क्या लिखना है। अगर आपकी वेबसाइट है तो आपको अकाउंट नेम में लिखना है ट्रेनिंग इन, राइट। अगर आपकी ऐप है तो आपको ऐप के बारे में यहाँ पर लिखना है, ऐप का नाम लिखना है, उसका इंडस्ट्री लिखना है, जो भी है वो उसके हिसाब से लिखना है। वेबसाइट नेम, तो वेबसाइट नेम में जो भी आपकी वेबसाइट की URL है वो लिखनी है आपको, करना है आपको। हाँ तो कर देते हैं, आपका कर देते हैं, बहुत बढ़िया। वैसे भी मैं ये तो डिलीट ही करने वाला था। अरे MNCL.SOCIAL@gmail सर, हम किसी भी वेबसाइट पे कर सकते हैं गूगल, किसी भी वेबसाइट पे कर सकते हो कि नहीं कर सकते? आंसर फ्रॉम द ऑडियंस, किस तरीके से करते हैं? कोड आपको कोई किसी भी वेबसाइट पर डालना देगा वो? नहीं, सही बात है, लेकिन मैं आपसे ही वो कुछ आंसर ऐसा रहता है कि भाई मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप खुद ही उसका आंसर दें। ये ऐसा आंसर है कि भाई मैं अहमदाबाद से बड़ौदा के लिए एक्सप्रेस हाईवे से आया, तो आप पूछ रहे हो कि अभी मुझे बड़ौदा से अहमदाबाद कौन से रास्ते से जाना है, तो ऑफकोर्स मैं आपको ही पूछूंगा कि किस तरीके से जाना है, बताओ आप। वही रास्ते से लेफ्ट हैंड साइड से जाना है, पूछो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ही आंसर देना पड़ेगा। सर वो जो एनालिटिक्स में आप बता रहे थे एवरेज, तो उसमें ये क्लियर बता दीजिए मैं कैसे हम मतलब पता पाएंगे कि हाँ सही है, सही मतलब वो है एवरेज वाला है, तो किस किस तरह मतलब वो कर सकेंगे कि हाँ हमारा मतलब एवरेज बढ़िया है, अरे कन्वर्सेशन का हर चीज़ का मतलब पेज पर पेज का इस पे मेरा मतलब हर मतलब जो विजिट आ रही है सही है एवरेज वो अलग क्लियर कर दीजिए। वो रिपोर्ट में जब आएंगे ना तब क्लियर होगा, अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि वो मैट्रिक्स का इंटरप्रिटेशन क्या है। अभी मैंने रिपोर्ट नहीं सिखाया है, अभी चार लेक्चर यही करना है। तो वो अभी हमारा पर्पस ये है कि आपको मैं ये सिखा दूं, क्योंकि सब लोगों को इसमें तकलीफ होती है, वो मैट्रिक्स ही नहीं क्लियरली अंडरस्टैंड कर रहे होते। तो सबसे पहले अगर आपका मैट्रिक्स क्लियर है, उसका मतलब क्या है वो क्लियर है, ओके, गॉट इट गॉट इट। ये इसलिए प्रॉब्लम है कि आ गया यही है ना, आ गया। तो ये इसमें हम ओपन कर देते हैं, हाँ कोई बात नहीं, एडमिन, यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट, वेबसाइट, अकाउंट नेम, वेबसाइट वेबसाइट ना, वो जो सेल्स लिखा था ना, इसलिए मैं वेबसाइट लिख देता हूँ यहाँ पर। आप इन फ्यूचर इसको चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, www.mnclgroup.com। https होगी ना आपकी, तो इंडस्ट्री फाइनेंशियल, टाइम जोन आपका इंडिया, ये आपको ध्यान में रखना है, टाइम जोन हमेशा आपकी कंट्री का रखना, तो आपको रिपोर्ट देखने में सही इजी रहेगा।
ये है कि भाई आपको गूगल और प्रोडक्ट की सर्विस का रिकमेंडेशन चाहिए, बेंचमार्किंग आपको चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, अकाउंट स्पेशलिस्ट चाहिए, यस चाहिए, ये सभी चाहिए हमको, गेट ट्रैकिंग आईडी। आई एक्सेप्ट, क्लियर। अभी हमको ये कोड मिल गया, ये आपका ट्रैकिंग कोड है और ये स्टेटस है। आपको क्या करना है, ये कोड को कॉपी करके आपके डेवलपर को मेल कर, और वो डेवलपर आपके वेबसाइट के हेड में, वेबसाइट की आप व्यू सोर्स देखो तो उसमें हेडिंग रहता है, टॉप वाला पार्ट, हेडिंग माने टॉप वाला पार्ट, उसमें ये कोड उसको बोलकर रखवा देना है, राइट। जैसे अब अगर आप ये वेबसाइट देखोगे तो कंट्रोल यू अगर मैं करता हूँ, और अगर आपको टेस्ट करना है ना कि उसको ऐड किया है कि नहीं किया है, तो आप दो तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। एक तो सिंपल व्यू सोर्स करके, व्यू सोर्स करके कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ से क्या होगा, फाइंड होगा, फाइंड में आपको लिखना है analytics.js, आ गया। ये इन्होंने फुटर में रखा हुआ है, फुटर में भी रख सकते हो और हेडर में भी रख सकते हो, लेकिन रेकमेंडेड इज दैट यू शुड पुट इन द हेडर, राइट। तो क्लियर हाउ यू कैन चेक। और भी एक तरीका है जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि एक्चुअली डेवलपर ने ये सही तरीके से किया है कि नहीं किया है, तो और एक तरीका है, कोई बताएगा और कोई तरीका क्या है? रियल टाइम, ये रियल टाइम है ना, ये गूगल ने थोड़े टाइम पहले इंट्रोड्यूस किया है, तो ये रियल टाइम से, अभी इसका तो नहीं दिखाएगा क्योंकि ये एक्चुअली ऐड नहीं किया है, वरना वो यहाँ पर है। हाँ मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर करनी है, एग्री, ये यहाँ पर ये दिखाई देगा कि एट प्रेजेंट आपकी वेबसाइट पर कितने लोग हैं, कहाँ से आए हुए हैं, कितने लोगों ने गोल कंप्लीट किया है, ये सारी चीज आपको यहाँ से दिखाई। इसका यह पर्पज है कि आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज की है तो आपके लिए रियल टाइम विजिटर ट्रैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने कोई सेल निकाला है, सपोज कि भाई आज के दिन जो भी ट्रेनिंग लेगा उसको मैं 10% डिस्काउंट दूंगा, सपोज, और मैंने उसको सभी जगह पर मार्केटिंग किया है, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, तो मुझे उस वक्त क्यों रियल टाइम इज इम्पॉर्टेंट, मुझे ये ट्रैक करना है कि मेरे वेबसाइट के कोई पेज पर कोई तकलीफ तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई डेवलपर ने कुछ गलती की है और कॉन्टेक्ट अस फॉर्म वर्क ही नहीं कर रहा है, तो ये कैसे पता लगेगा? आपको देखेंगे कि यार कॉन्टेक्ट अस से लोग बाउंस क्यों हो जाते हैं, कॉन्टेक्ट अस पेज से थैंक्स पेज में एक ही दूरी है, तीन ही चीज उसको फिल्ड करनी है, तो रियल टाइम को अगर आपको पता होगा तो आप वो ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, क्योंकि नॉर्मली क्या रहता है एनालिटिक्स में डेटा 24 आवर्स के बाद दिखाते हैं, रियल टाइम वो एनालिटिक्स डेटा नहीं दिखाएगा आपको 24 आवर्स के बाद, यानी कल जो हुआ है वो मुझे आज देखने को मिलेगा, लेकिन इवेंट में ऐसा नहीं चलेगा, इवेंट में तो आपको रियल टाइम चाहिए ही चाहिए, तो ही आपको अगर कोई वेबसाइट में कोई तकलीफ है तो आप उसको ऑप्टिमाइज कर पाओगे, राइट। तो इसीलिए उन्होंने रियल टाइम बनाया हुआ। तो हाँ अभी हम चले जाते, तो कैसे नया क्रिएट करना है आपको पता चल गया आई गेस सभी लोगों को, राइट, सिंपली, वेरी सिंपल इट इज, यू हैव टू जस्ट गो इनटू द एडमिन सेक्शन, एडमिन सेक्शन के बाद में सेटिंग में जाना है, सेटिंग में न्यू अकाउंट ओपन करना है, राइट। ये प्रोबेबली मैंने स्टेप्स भी लिखा हुआ है यहाँ पर, आई एम नॉट श्योर, ओके, मैं आप में लॉग इन हुआ तो मैं यहाँ से लॉग आउट हो गया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से लॉग इन हो जाता हूँ। मल्टीपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल माने अकाउंट मल्टीपल ओपन कर सकते हो, ऐसा बोल रहे हो ना, हाँ 100 तक कर सकते हैं। गूगल सब डोमेन को इंडिपेंडेंट डोमेन की तरह ही ट्रीट करता है, सब डोमेन मानी अगर मेरी ट्रेनिंग इन SEO.in है और मैंने USA के लिए भी ट्रेनिंग स्टार्ट की ऑनलाइन, तो मैं उसको सब डोमेन देता हूँ USA.traininginSEO.in, तो वो गूगल की एनालिटिक्स में वो उसको कंसिडर नहीं करेगा, मुझे एनालिटिक्स नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा US.traininginSEO.in के लिए, सब भी कुछ नया करना पड़ेगा। गूगल USA.subdomain को इंडिपेंडेंट डोमेन की तरह ही ट्रीट करता है, इंडिपेंडेंट माने उसको वो डोमेन से कोई लेना देना नहीं, क्लियर।
अरे SEO नहीं, एनालिटिक्स। अरे यार ओके, तो अभी हम नेक्स्ट, हाँ, आप में से साइन आउट हो जाता हूँ। अभी आपको फिर से देखना है तो कहाँ पर देख सकते हो वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। ट्रैकिंग इन्फो, ट्रैकिंग कोड, अभी यहाँ पे मल्टीपल के ऊपर डोमेन सिलेक्ट करना है, डोमेन तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है ना, नहीं एक दूसरा भी कर लेते तो। वो आप कर सकोगे ना अपने हाँ आप, कर सकोगे ना, तो आगे मैं इनको बढ़ा सकता। अभी 10, 5 या 6 चीजें फटाफट देख लेते हैं। वो अभी सिंपल है, जो फंडामेंटल था वो आपको ये आज जो सिखाया ना वो फंडामेंटल था, ये चीज तो एकदम क्लियर होनी चाहिए आप में। अगर सब लोग थक गए हो तो कल भी ले सकते हैं, वॉट एवर यू से। अगर ऐसा लगता हो कि बहुत कुछ लोड आ गया है तो हम कल भी ले सकते हैं। चलो मिश्रा जी, क्या पूछ लिया इसलिए मैंने। अरे आपको एडमिन में जाना है, और एडमिन में कुछ चीज ऐसी है जो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यूजर मैनेजमेंट, अगर आपको आपके एनालिटिक्स का किसी को एक्सेस देना है तो किस तरीके से दे सकते हो, यहां पर जाना है और यहां पर जाके आपको उसका नाम लिख देना है। किस तरीके से, यहां पर राइट, जो भी जिनका भी जो ईमेल आईडी है उसको लिख देना है, और यहां से 4 लेवल की आपको एक्सेस देना है कि रीड एंड एनालाइज, जो सबसे बेसिक लेवल का एक्सेस है। अगर किसी को ऐसा रखना है कि भाई वो कोई चेंज ना कर सके सिर्फ देख सके, तो आपको ये देखना है। आप ये बोल सकते हो रीड ओनली एक्सेस, इसको इजीली कन्विंस करने, अंडरस्टैंड करने के लिए बोल सकते हो। ये है कोलेबरेट। कोलेबरेट मानी अगर इसको कुछ रिपोर्ट में कुछ चेंजेस करना है माइनर, तो वो ये कर सकता है कि भाई गूगल में कोई गोल नया कॉन्फ़िगर करना है या वैसे कुछ माइनर चेंजेस करने हैं, तो ये कोलेबरेट से कर सकता है। एडिट में भी यही रहेगा, वो माइनर चेंजेस कर सकता है। और मैनेज यूजर्स में वो एडमिन लेवल का एक्सेस हो जाएगा, वो नए यूजर ऐड भी कर सकता है। तो नॉर्मली आपको मैनेज यूजर तक का एक्सेस नहीं देना है आप। हाँ, वो आपको निकाल भी सकता है। वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ, वो आपको भी निकाल सकता है। ये लॉकर की चाबी जैसा है, लॉकर की चाबी किसी को देनी नहीं है राइट। वो एक एक चीज नहीं, नहीं है ऐसा, नॉर्मली नहीं है, लगभग नहीं, नहीं है, नहीं है ऐसा। आप दे सकते हो किसी और को। आपका दोना मैं देख लेता हूँ, होता है कि नहीं होता है क्या। अहिर _43 करेक्ट, नहीं होगा, 99 पॉइंट नहीं होगा। आप देख सकते हो, ये आपके भी ईमेल आईडी आ गया, यहां से गया, दैट मीन्स के वो दे रहा है। क्लियर। अगर किसी को निकालना है यहां से जाके वो निकाल के सेव कर दो। क्लियर। और एक स्टेप है ऑल फिल्टर्स। ऑल फिल्टर्स मानी, ऑल फिल्टर्स मानी
कई बार ऐसा होगा कि कई स्पैम वेबसाइट से आया हुआ ट्रैफिक आपके रिपोर्ट को बिगाड़ रहा होगा, राइट? जैसे adf.ly, अभी ये इसे क्या होता है कि 200 विजिटर्स ये वेबसाइट से स्पैम आ जाता है, जिनका एवरेज विजिट ड्यूरेशन रहता है जीरो। ऑब्वियसली एवरेज विजिट ड्यूरेशन जीरो है तो कन्वर्जन रेट तो ऑब्वियसली जीरो ही रहेगा। तो इसे ऐसे इंप्रेशन होगी कि एक्चुअली आपका डेटा, आपने लास्ट मंथ से बहुत खराब परफॉर्म किया है। लेकिन जब आप उसको ये चेक करोगे कि कौन रिस्पॉन्सिबल है ये खराब परफॉर्मेंस के लिए, तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा कि ये सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो एक्चुअली स्पैम वेबसाइट है, जो ऑटोमेटेड ट्राफिक देती है आपको या स्पैम ट्राफिक देती है। ऐसी सारी वेबसाइट है जिसके ट्राफिक को आपको कभी भी जरूरत ही नहीं होने वाली है। तो आप वो डेटा को यहाँ से फिल्टर कर सकते हो, यानी वो रेफरेंस से या वो वेबसाइट से कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट पर आता है तो एनालिटिक्स उसको फिल्टर कर देगा, वो रिपोर्ट में आपको दिखाएगा नहीं। हमारा रेफरल सोर्स है, दो तरीके से हमको ट्रैफिक का सोर्स मिलेगा, एक डायरेक्ट और एक रेफरल। तो रेफरल में से ये सारी आपको वेबसाइट मिल जाएगी। एक सेगमेंट आएगा हमारा, जब हम 50 रिपोर्ट देखेंगे ना तो उसमें एक सेगमेंट आएगा रेफरल ट्रैफिक। रेफरल ट्रैफिक माने थर्ड पार्टी वेबसाइट से, सर्च इंजन की बजाय जो भी वेबसाइट रहती है उसमें से कौन कौन सी वेबसाइट से ट्रैफिक आया है। तो आप ये एनालाइज कर सकते हो कि किसमें एवरेज विजिट ड्यूरेशन बहुत कम है या जीरो है, कम है माने जीरो ही है। तो ये नहीं हो सकता नॉर्मली, अगर ह्यूमन आ जाए तो एवरेज विजिट ड्यूरेशन कुछ तो रहता है, तो बहुत कम है या बहुत ज्यादा, बाउंस रेट 100% है। तो ये सारी चीज आपको ये इंडिकेट करता है कि दिस इज कमिंग फ्रॉम द स्पैम ट्रैफिक। या और भी एक चीज कर सकते हो आप, सिंपली ये वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। यस स्पाइडर, वेरी गुड क्वेश्चन। तो स्पाइडर ये है कि मैं सब सब एवरी टाइम मैं आपको बताता हूँ कि भाई गूगल आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेगा क्रॉल करेगा क्रॉल करेगा, कई बार मैंने ये सेंटेंस यूज किया है। तो क्रॉलर स्पाइडर दोनों सेम ही है। क्रॉलर और स्पाइडर मानी गूगल है, बिंग है, वो कैसे अपने डेटाबेस में आपकी डिटेल्स ऐड करेगा। जब आप सर्च करते हो तो उसके डेटाबेस में आपकी वेबसाइट के लिए कुछ रहेगा ही रहेगा, तभी वो शो कर पाएगा इतनी जल्दी। तो वो आपकी वेबसाइट को पहले से ही सारी इंफॉर्मेशन उनके डेटाबेस में स्टोर कर लेता है। तो वो जो स्टोर करता है वो क्रॉलर उसको क्रॉल करके डेटा लेके स्टोर करता है, उसको आप स्पाइडर या क्रॉलर बोल सकते हो, राइट? अगर मुझे देखना है कि मेरी वेबसाइट को गूगल ने लास्ट टाइम कब क्रॉल की थी, ये भी एक इंटरव्यू में क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आप मत बताओ, आपको सिर्फ क्या करना है, क्या पता है किसी को? मैंने कई बार किया है ये। हाँ कैच, कैच लिप, यहाँ पर एक कोड लिखना है CACH कैच, और यहाँ पर एंटर डालना है। अभी मुझे ये पता चलेगा कि गूगल ने अभी प्रॉबेबली रिजोल्यूशन के प्रॉब्लम से ये उन्होंने पहले एक स्क्रिप्ट दी थी, अभी वो निकल गई। लेकिन अगर आप ये कोड डालकर किसी भी वेबसाइट के लिए चेक करोगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि लास्ट गूगल ने ये कब क्रॉल किया था, लास्ट गूगल ने ये कब देखा था उसके डेटाबेस में स्टोर करने के लिए। क्लियर? तो ये आपको यहां से मिलेगा। तो ये स्पाइडर है, उसको कंसिडर नहीं करना है, एब्सोल्युटली नहीं कंसिडर करना है। अब आपको फिल्टर नया ऐड कैसे करना है, ऐड फिल्टर आपको सभी रिपोर्ट में ऐसा ही दिखेगा कि भाई किसी भी चीज को ऐड करना है तो लैपटॉप में आपको दिखेगा। तो ये कॉमन प्रैक्टिस है। ऐड फिल्टर, फिल्टर का नाम लिखना है। सपोज मुझे ऐसा करना है कि भाई मुझे पाकिस्तान से बहुत स्पैम विजिट्स आ रही है, फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे काम का बंदा नहीं आ रहा है, तो मुझे पाकिस्तान को यहाँ से फिल्टर कर सकता हूँ। पाकिस्तान, ये प्री डिफाइंड फिल्टर है और कस्टम फिल्टर है, राइट? प्री डिफाइंड में आपको जो भी उनके प्री डिफाइंड रहेंगे वो मिलेंगे, अगर आपको पर्टिकुलर चीज करनी है तो कस्टम में जाना पड़ेगा। कस्टम, कस्टम में जाने के बाद आपको यहाँ पर फील्ड सिलेक्ट करने पड़ेगी जिसमें आपको सिलेक्ट करना है कंट्री, किसको एक्सक्लूड करना है। तो कंट्री आ गया, कंट्री, कंट्री में जाकर फिल्टर पैटर्न, तो यहाँ पर पाकिस्तान लिख देना है
और किस किस कौन सी प्रॉपर्टी में ये ऐड करना है, तो ट्रेनिंग इन एसईओ में ऐड करना है और यहां से सेव कर। कहां पर गया ये लास्ट फोर्थ आ गया। अभी कोई भी बंदा पाकिस्तान से मेरी वेबसाइट को विजिट करेगा तो उसका डेटा मेरी वेबसाइट पर दिखेगा नहीं, एनालिटिक में काउंट नहीं होगा, तो मुझे इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जो भी डेटा मिलेगा वो मेरे लिए रिलायबल रहेगा कि मैं उसके बेसिस पर कोई प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। क्लियर? तो यहाँ तक रखते हैं। अभी आज मुझे ऐसा था कि मैं पूरा खत्म कर दूँ आज ये एडमिन पार्ट, लेकिन थोड़ा लंबा है ये, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। राइट, तो अभी हम फास्ट रिकैप कर लेते हैं। राइट, वो जरूरी है। आएगा नहीं, आपको डालना है, आपको ये देख लेना है कि भाई उसका कंट्री कोड क्या है, कंट्री नेम क्या है। ये तो एक एग्जांपल था पाकिस्तान, तो आप कोई वेबसाइट को भी फिल्टर कर सकते हो, आप कोई आईपी को भी, यस आपके आईपी को भी फिल्टर कर सकते हो, वो मैं नेक्स्ट।